इंग्लैंड अगेन। इंग्लैंड को क्यों? बस वैसे ही। कोई रीजन हो? इंडिया ना जीते। इंडिया ना जीते? हाँ। से इंग्लैंड को सपोर्ट करूंगी। क्यों? मेरे एक्चुअली मामू वहाँ पे रहते हैं तो वो पाकिस्तानी ना। हाँ, बट रहते तो उधर है ना, अब तो फिर हमें उसी को सपोर्ट करना है। तो अच्छा, अगर इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच हो तो मैं हम नहीं हरा पाते इंडिया को, तो अब उनके थ्रू ही हराएंगे। अच्छा, हम नहीं हरा पाते तो कोई तो हरा दे, ये हिसाब है आई गेस। और अगर वो कल जीत, इंडियन टीम के खिलाड़ी जितने भी हों, एक सेकंड ना, मेरी बात कम क्लियर हो ना, वो कौन से 50 होंगे? वो होंगे 150-200 खिलाड़ी, क्योंकि बाकी तो अंदर बैठे होंगे ना वाम में। अच्छा। होते तो वही है ना। हाँ, ज्यादा अच्छा। तो नहीं होते ना। हाँ। चाहे खिलाड़ी 11 हो, चाहे 12 हो, चाहे 15 हो, बाद में कर रहा हूँ कि वो पड़ोसी कंट्री है, हमारी सपोर्ट उनको है। अच्छा। हाँ, आप खिलाड़ी गिनने लग गए उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, हमने गेम देखनी है, खिलाड़ियों की गिनती नहीं। गेम में आप खिलाड़ियों को ही देखेंगे ना, खिलाड़ी नहीं होंगे तो गेम कहाँ से देखेंगे? हम टीवी पे देखेंगे। टीवी पे देखेंगे तो उसमें भी खिलाड़ी ही आ रहे होंगे ना। प्लेयर कैसे है वर्ल्ड कप, अब जो इंडियन टीम बन चुकी है ना, वो वर्ल्ड की एक फेमस टीम बन चुकी है, क्योंकि पिछले अगर बात की जाए जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसमें आपने क्या उनकी देखी है सिचुएशन, के कहाँ वो टीम गई है? एक मैच नहीं हारी, वो अलहदा बात है कि ऑस्ट्रेलिया से वो फाइनल हारी है, लेकिन उनका जो टीम कॉम्बिनेशन है, उनके जो लड़के हैं, जो प्लेयर्स हैं, तो वो कैसे, अगर रोहित नहीं खेलता तो विराट पक्की बात है खेलेगा, अगर विराट नहीं चलता तो गिल जो है वो पक्की बात है चलेगा, अगर गिल नहीं चलेगा तो उनका कोई ना कोई प्लेयर खेल ही जाएगा। अब बॉलिंग साइड में देखे जाए तो मोहम्मद शामी है, बुमराह है उनकी टीम में, तो अगर हमने भी यही कहा था कि हमारी टीम में मोहम्मद आमिर है तो हम वर्ल्ड कप के इंशाल्लाह। उनका देखे ना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो नीचे से स्टार्ट हो जाए ना, तो ऊपर दिगर ए टीम दिगर, बी टीम दिगर, सी दिगर, डी दिगर, इनके उनके नीचे जो है ना जो लेवल, वो चार तरह के हैं, तो वो जब प्लेयर उनका जब ऊपर आता है ना, तो वो उस लेवल पे आ चुका होता है कि उसको उनका मेंटेलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और एक और चीज़, मैं शेखर धवन की एक बात सुन रहा था एक इंटरव्यू में, उन्होंने बोला कि इंडिया की नंबर वन होने की जो बुनियादी वजह, वो आप क्या देखते हैं? उसने एक बात बड़ी ज़बरदस्त की, उसने कहा जब मैं सेलेक्ट हुआ था ना, तो मुझे मेरे सेलेक्टर ने बोला था कि आपने कम अज़ कम 4 सीरीज़ खेलनी है, उसमें आपने अपना परफॉर्म करना है कि आपकी स्किल्स क्या हैं, आपका आपका टैलेंट क्या है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, इसमें बैट्समैन को या बॉलर को या प्लेयर को ना एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है, और जो उसकी स्किल्स होती हैं वो अच्छे तरीके से उसको शो करता है, और वो बड़े उसमें बड़ा अच्छा यानी कि परफॉर्म करता है, और वो उसको कंटिन्यू करते हैं, तो ये उनकी बड़ी अच्छी चीज़ है। वो फिर इंग्लैंड को करेंगे, फिर हम होंगे जो पाकिस्तान को करेंगे। अच्छा, तो अभी आप इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हो? यप। वैसे आपको उनकी क्रिकेट टीम के बारे में कोई नॉलेज है? नहीं है, लेकिन मामू वहाँ रहते हैं, हम इंग्लैंड को ही सपोर्ट करेंगे, है ना? ऐसी बात है। मुझे पता है कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो टफ टाइम देगा इंग्लैंड को? कोई भी नहीं। आप गेम को आप देखें, आप जिन जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, वो मेरी नज़र में उसका कोई अहमियत नहीं है। जब आप गेम खेलने जाते हैं ना, जब मुकाबला होता है, तो दोनों में से एक जरूर जीतता है। आपने पूछा सपोर्ट किसको कर रहे हैं, मैंने कहा इंडिया को। मैंने, अगर आप टफ टाइम की बात करें तो वो भी खेलने आ रहे हैं, वो वहाँ पर वो देखने नहीं आ रहे ना, दोनों टीम्स खेलने आ रहे हैं। कि अगर हम एज ए पाकिस्तानी, हमें जिस चीज़ का ज़्यादा मज़ा आता है वो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का ही है, ठीक है ना? रेटिंग भी उसी की सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि जब हम टीवी को देखते हैं ना, तो पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान जीता है तो वेल एंड गुड, अगर हार गया तो टीवी यहाँ पे भी टूटते हैं, टीवी वहाँ पर भी टूटते हैं, ठीक है ना? तो रेटिंग की बात की जाए तो मैं ही तो यही चाहूँगा कि हमारा अपनी कंट्री फिर से दोनों खेलें, हम इन्जॉय करें। बात है, इंडियन टीम 50 ओवर में, ये लास्ट ईयर गया है 50 ओवर का, ऑस्ट्रेलिया से हारी थी, ऑस्ट्रेलिया से, उसमें भी वो बिल्कुल यानी कि ना नॉन स्टॉप ही जीते रहे हैं, ठीक है, उसमें वो बीट नहीं हुए, तो अनफॉर्चुनेटली फाइनल आके वो हार गए। ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती, आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलता है, जीत जो है ना आपको कॉन्फिडेंस देती है, कॉन्फिडेंस उनका ऑलरेडी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि देखें ना आईपीएल वो खेल के गए हैं, आईपीएल दुनिया की एक बड़ी लीग है, ठीक है, उसमें वो खेल के गए हैं, उनकी वो सारी क्रीम है जो इस टाइम इनके खेल रही है, बल्कि आप ये कह सकते हैं अगर भी 3 प्लेयर अगर उनके बैठा दिए जाए ना, जो उनके जो 3 प्लेयर रिप्लेस करेंगे ना, वो उनसे अच्छे होंगे, उनका स्टैंडर्ड इतना इनके तगड़ा है। तो इसमें इंडिया को अगर आपने हराना है तो उसमें दूसरी टीम को एक बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और नो डाउट जी। और बाकी बात की जाए अगर इंडियन प्लेयर्स की, तो जैसे रोहित शर्मा ने जैसे खेला न्यूजीलैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेरे ख्याल से खेला, जो मिचेल स्टार्क को उन्होंने 3 छक्के मारे हैं, पहले ओवर में ही उन्होंने 3 छक्के मार दिए। अब रोहित शर्मा एक अगर देखा जाए तो रिटायर्ड प्लेयर हैं, कितना उनको टाइम हो गया क्रिकेट में, लेकिन फिर भी
आज वो ऐसी बैटिंग कर रहे हैं। अगर इसी लिहाज से हम अपने प्लेयर्स को देखा जाए, बाबर आजम या इफ्तखार, तो उनमें ये चीज़ नज़र नहीं आती। तो इसलिए हमारी जो बेस्ट विशेज है वो इंडिया के लिए है। मैच की रोहित शर्मा तो जो क्रिकेट खेलता है फॉर्म में है, वो हमेशा से फॉर्म में रहा है और वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलता है। सेकंड ये है जो उनका जो टेल अंडर है ना, जो मिडल ऑर्डर है, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अगर उन्होंने परफॉर्म किया तो फिर तो वो वन साइडेड जीत जाएंगे। और जहाँ तक ख्याल है कि कोहली के साथ बेस्ट विशेज हैं, कोहली के लिए दुआया कि कोहली आउट ऑफ फॉर्म हुआ है, क्योंकि वो अच्छा प्लेयर और अच्छा इंसान है, जैसे मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ, जैसे मैं देखता हूँ, तो मैं उसका फ़ैन भी हूँ। बल्कि आपके चैनल के तवसत से मैं उनके उनको मैं कहना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छा इंसान है। अल्लाह उसको और अच्छा करे, क्योंकि वो एक बड़ा पॉजिटिव और बड़ा बड़ा गुड मैन है, कि उसकी तारीफ़ें करने को दिल करता है। अभी जो पिचेज आ रही हैं, जो विकेट्स आ रही हैं ना, उस पर ये 200-205 10 स्कोर कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर इंडिया पहला बैटिंग करेगी तो कम से कम भी 200 या 200+ ऊपर ही जाएगी, 230-240 तक जाएगी। फिर क्रिकेट है, ऐसे सोचते ही नहीं, मैं तो ऐसे नहीं सोचता कि ये कोई फिक्सिंग है या जो वो होती हैं। बीच में कोई एक आधा प्लेयर ऐसा होता है वो एक्सपोज भी हो जाता है। इंडिया अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, वो तगड़े हैं, ठीक है, हमें उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। हम उनकी तारीफ़ करेंगे तो ये एक अच्छा जस्टर जाएगा, ठीक है। हम क्यों उनके बारे में तन, हाँ जहाँ पे वो बुरी क्रिकेट खेलते हैं वो करना चाहिए कि यार ये फिर होता है। लेकिन आप अगर उनकी जीत को इस तरफ लेके जाएंगे भाई ये कोई फिक्सिंग करते हैं या ये, मेरे ख्याल में ये फजूल बात है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निमरा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों कल है मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। पाकिस्तानी आवाम की तरफ बढ़ते हैं, पाकिस्तानी आवाम से पूछते हैं कि क्या लगता है कौन मैच जीत सकता है, या फिर पाकिस्तानी पब्लिक किसको सपोर्ट करती है। अगर अभी तक का डाटा देखा जाए तो भारत ने एक भी मैच नहीं हारा है, विन विन सिचुएशन है। भारत में इस वक्त सेमीफाइनल्स में है, क्या आगे जा पाएगा भारत? पाकिस्तान की आवाम किसको सपोर्ट करती है, क्या चाहती है कि कौन जीते, और किस प्लेयर का दूसरी टीम पर ज़्यादा दबदबा बैठ सकता है या फिर कौन टफ टाइम दे सकता है? बढ़ते हैं आवाम की तरफ, इस बारे में डिस्कशन करते हैं, रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, किसी एक को तो चुनना पड़ेगा ना। अब पाकिस्तान तो बाहर चला गया तो फिर अब किसी को भी नहीं। चलो कोई स्पोर्ट्समैन में स्पिरिट का मुजाहिरा करो, किसी एक ने तो जीतना, सेमीफाइनल का मैच है तो किसको सपोर्ट करोगे? इंग्लैंड। इंग्लैंड को क्यों? बस वैसे ही, कोई रीजन हो, इंडिया ना जीते, इंडिया ना जीते। इंडियन टीम बुरा खेलती है या क्या मसला है? बस वैसे ही, मतलब पाकिस्तान इंडिया के जो मसले हैं उसकी वजह से इंडिया ना जीते। तो क्रिकेट में थोड़ी है। हाँ वैसे बस ऐसे ही, बस ऐसे ही, फिर भी क्रिकेट में वो ना जीती है ना। पाकिस्तान ही इस वजह से। पाकिस्तान के अंदर उनके खिलाड़ियों के काफी फैंस मौजूद है, उनको सपोर्ट भी करते हैं। हाँ ये तो है, लेकिन मैं नहीं हूँ। लेकिन आप नहीं हो, आप पक्की पैट्रियट हो कह सकते हैं। आप क्या कहते हो? मैं वैसे इंग्लैंड को सपोर्ट करूंगी। क्यों? मेरे एक्चुअली मामू वहाँ पे रहते हैं, तो वो पाकिस्तानी ना। हाँ बट रहते तो उधर है ना आप, तो फिर मैंने उसी को सपोर्ट करना है। तो अच्छा, अगर इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच हो तो वो स्टिल इंग्लैंड को सपोर्ट करेंगे या पाकिस्तान को? वो फिर इंग्लैंड को करेंगे, फिर हम होंगे जो पाकिस्तान को करेंगे। अच्छा, तो अभी आप इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हो। वैसे आपको उनकी क्रिकेट टीम के बारे में कोई नॉलेज है? नहीं है, लेकिन मामू वहाँ रहते हैं, हम इंग्लैंड को ही सपोर्ट करेंगे, है ना? ऐसी बात है। इंडियन टीम के अंदर आपको क्या खराबी नजर आती है? नहीं नहीं, माशाल्लाह देयर आल्सो वेरी गुड, ऐसा कुछ भी नहीं है जिनमें खराब हो। वैसे अभी तक उन्होंने एक भी मैच हारा नहीं है। यस राइट, ऐसा ही है। ऐसा ही है तो फिर क्यों कह रहे हो कि इंग्लैंड जीते? तो फिर अगर वो अच्छी टीम होगी तो वो जीत जाएंगे ऑब्वियसली। अच्छा खेले वो, जीत गए तो बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा या कुछ भी नहीं लगेगा? नहीं कुछ भी नहीं लगेगा, न्यूट्रल। पाकिस्तान नहीं है तो फिर बस इंग्लैंड के लिए तो बुरा लगेगा ही आपको? नहीं नहीं लगेगा। कैसी पैट्रियोटिज्म है? क्योंकि पाकिस्तान नहीं है ना, अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको? मैं भी न्यूट्रल ही रहूंगी इसमें। क्यों, मामू को बुरा नहीं लगेगा? तो फिर मामू को लगेगा ना, मुझे क्यों लगेगा? तो देखो ना, मामू को लगेगा। अब जब जीतने की बारी है तो मामू जाने मुझे क्या लगे, और जब सपोर्ट करने की बारी है तो मामू है, मैं तो उन्हीं का सपोर्ट करूंगी। यस। आपको किसी इंडियन प्लेयर का पता? नहीं, इतनी नो हाउ नहीं है मुझे क्रिकेट की। आपको? विराट कोहली। विराट कोहली का क्यों पता है? अनुष्का, उसके अनुष्का की वजह से। वैसे उनके खेल की वजह से नहीं पता? नहीं नहीं, मैं क्रिकेट नहीं ज़्यादा देखती। क्रिकेट नहीं ज़्यादा देखती? पाकिस्तान इंडिया का मैच कभी हो तो। चलो थैंक यू सो मच। इंग्लैंड वो कंट्री है जो शुरू से मुकाबले करती आ रही है। अच्छा। और पाकिस्तान और जो इंडिया वो कंट्री है जो सिर्फ मुखालफत करती आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, तो दोनों कंट्रीज जो हैं वो ऐसी हैं कि जो फाइट करने के लिए रेडी रहती हैं। तो अब बात आती है स्पोर्ट्स पे, तो
स्पोर्ट्स पे अगर हम बात करेंगे तो हम इस वक्त बात वो करनी चाहिए, हमें न्यूट्रल बात करनी चाहिए, हमारा पड़ोसी कंट्री है, अगर वो जीती है तो हमें अच्छा लगेगा। अच्छा, आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं इंडिया को करूंगा, अगर इंडिया पाकिस्तान को होगा तो फिर पाकिस्तान को करूंगा। लेकिन अगर किसी और कंट्री के साथ होगा तो आप इंडियन टीम को सपोर्ट करेंगे? हाँ, हमारे पड़ोसी हैं, नहीं करूँ। नहीं, नहीं, आपकी मर्जी है, आपकी राय है, लेकिन इंडियन टीम के खिलाड़ियों का पता है आपको? इंडियन टीम के खिलाड़ी जितने भी हों, एक सेकंड ना, मेरी बात कम क्लियर हो ना, वो कौन से 50 होंगे, वो होंगे 150-200 खिलाड़ी, क्योंकि बाकी तो अंदर बैठे होंगे ना वाम में। अच्छा। होते तो वो ही है ना। हाँ, ज्यादा अच्छा। तो नहीं होते ना। हाँ। चाहे खिलाड़ी 11 हो, चाहे 12 हो, चाहे 15 हो, बात मैं कर रहा हूँ कि वो पड़ोसी कंट्री है, हमारी स्पोर्ट उनको है। अच्छा। हाँ, आप खिलाड़ी गिनने लग गए उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, हमने गेम देखनी है, खिलाड़ियों की गिनती नहीं। गेम में आप खिलाड़ियों को ही देखेंगे ना, खिलाड़ी नहीं होंगे तो गेम कहाँ से देखेंगे? हम टीवी पे देखेंगे। टीवी पे देखेंगे तो उसमें भी खिलाड़ी ही आ रहे होंगे ना। अच्छा चलें, आप अच्छा मुझे बताएं, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो टफ टाइम देगा इंग्लैंड को? कोई भी नहीं। अभी आपने बोला है कि इंडिया जीत जाएगा। आप गेम को आप देखें, आप जिन जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, वो मेरी नजर में उसका कोई अहमियत नहीं है। जब आप गेम खेलने जाते हैं ना, जब मुकाबला होता है तो दोनों में से एक जरूर जीतता है। आपने पूछा सपोर्ट किसको कर रहे हैं, मैंने कहा इंडिया को। मैंने अगर आप टफ टाइम की बात करें तो वो भी खेलने आ रहे हैं। वो वहाँ पर वो देखने नहीं आ रहे ना, दोनों टीम्स खेलने आ रही है ना। अच्छा मुझे ये बताएगा, आपको क्या लगता है कि फाइनल मैच इंडिया को किस टीम के अगेंस्ट खेलना चाहिए जो फाइनल होगा? और अगर फाइनल में इंडिया ना हुआ तो ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी, आपकी राय है। बात ये है कि अगर हम एज ए पाकिस्तानी, हमें जिस चीज़ का ज़्यादा मज़ा आता है वो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का ही है, ठीक है ना। रेटिंग भी उसी की सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ तक कि जब हम टीवी को देखते हैं ना तो पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान जीता है तो वेल एंड गुड, अगर हार गया तो टीवी यहाँ पे भी टूटते हैं, टीवी वहाँ पर भी टूटते हैं, ठीक है ना। तो रेटिंग की बात की जाए तो मैं ही तो यही चाहूँगा कि हमारा अपनी कंट्री फिर से दोनों खेलें, हम इन्जॉय करें। फिर से दोनों खेले तो पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि हम वर्ल्ड कप से आउट है, बहरहाल आपकी राय है। तो आउट है। लेकिन अगर आप करें तो मैं फिर भी कहूंगा कि इंग्लैंड ही खेले फिर इसके साथ, उसकी रीज़न ये है कि दोनों खेलने वाली कंट्रीज हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लगता तो यही है कि इंडिया जीतेगा, बाकी कल सपोर्ट इंडिया को है। इंडियन टीम को सपोर्ट है क्यों जी? देखिए, इंडियन स्पोर्ट टीम को सपोर्ट इसलिए है कि एक तो उनकी स्ट्रगल, और दूसरी बात कि उनका जो टीम कॉम्बिनेशन है वो बाकी टीमों से काफ़ी बेहतर है जी। ऐसा कॉम्बिनेशन ऐसे कि एक तो उनकी जो बैटिंग साइड है और उसके बाद जो बॉलिंग साइड है उनकी काफ़ी टफ है, कि वो काफ़ी कल अच्छा मैच होगा जी। और बाकी बात की जाए अगर इंडियन प्लेयर्स की, तो जैसे रोहित शर्मा ने जैसे खेला न्यूजीलैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेरे ख्याल से खेला, जो मिचेल स्टार्क को उन्होंने 3 छक्के मारे हैं, पहले ओवर में ही उन्होंने 3 छक्के मार दिए। अब रोहित शर्मा एक अगर देखा जाए तो रिटायर्ड प्लेयर हैं, कितना उनको टाइम हो गया क्रिकेट में, लेकिन फिर भी आज वो ऐसी बैटिंग कर रहे हैं। अगर इसी लिहाज से हम अपने प्लेयर्स को देखा जाए, बाबर आजम या इफ्तखार, तो उनमें ये चीज़ नज़र नहीं आती, तो इसलिए हमारी जो बेस्ट विशेज है वो इंडिया के लिए है। आप जिस मैच की बात कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ वो मैच था और रोहित शर्मा ने 7 चौके और 8 छक्के लगाए थे जी। बहुत ज़बरदस्त खेले थे वो। बिल्कुल कोई शक नहीं है। एक तो देखे ना कि वो प्लेयर कैसा है, वर्ल्ड कप अब जो इंडियन टीम बन चुकी है ना, वो वर्ल्ड की एक फेमस टीम बन चुकी है, क्योंकि पिछले अगर बात की जाए जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें आपने क्या उनकी देखी है सिचुएशन, के कहाँ वो टीम गई है, एक मैच नहीं हारी। वो अलहदा बात है कि ऑस्ट्रेलिया से वो फाइनल हारी है, लेकिन उनका जो टीम कॉम्बिनेशन है, उनके जो लड़के हैं, जो प्लेयर्स हैं, तो वो कैसे, अगर रोहित नहीं खेलता तो विराट पक्की बात है खेलेगा, अगर विराट नहीं चलता तो गिल जो है वो पक्की बात है चलेगा, अगर गिल नहीं चलेगा तो उनका कोई ना कोई प्लेयर खेल ही जाएगा। अब बॉलिंग साइड में देखे जाए तो मोहम्मद शामी है, बुमराह है उनकी टीम में, तो अगर हमने भी यही कहा था कि हमारी टीम में मोहम्मद आमिर है तो हम वर्ल्ड कप के इंशाल्लाह फाइनल में जाएंगे, तो पहले 2 मैच हार के हम वापस आ गए, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप देखें टिकटॉक पे काफ़ी मीम्स बने हैं कि पाकिस्तानी टीम जो पहला मैच हारी थी, पहला मैच हारने के बाद जब दूसरा इंडिया से हारी है तो लोगों ने यही कहा कि पाकिस्तानी टीम को वापस बुला ले बदोबदी 2 के लिए। तो अब क्या ये पाकिस्तान की जो वैल्यू रहेगी है, क्या रेपुटेशन, सब खत्म हो गया। पाकिस्तानी टीम की बोले, बिल्कुल पाकिस्तानी टीम की ही बात हो रही है, ये पाकिस्तानी टीम की नहीं,
सब आवाम की विश में है। अब लोगों ने कहा कि अब इससे दुआ करें पाकिस्तान उससे हारे, ऑस्ट्रेलिया उससे जीते तो पाकिस्तान शायद सेमीफाइनल में। डिपेंडेंट हो गए थे ना दूसरी टीम्स पर, कभी बारिश कभी कोई टीम जीतेगी तो हम आगे जाएंगे, कोई हारेगी तो हम आगे जाएंगे, अपनी कारकर्दगी पर अपनी परफॉर्मेंस पर आगे जाए तो वो बात होती है। बिल्कुल वो बात होती है। अब देखा जाए ना तो काफ़ी टिकटॉक पे चल रहा था कि दुआ करो कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से हारे तो पाकिस्तान को पॉइंट मिले, उससे अगर हम दुआएं करते रहेंगे तो पाकिस्तानी टीम क्या करेगी, वो कब दिखाएगी अपनी परफॉर्मेंस, हम किसको जाके कहेंगे यार फिर इसकी अगर करनी दुआएं ही करनी है तो हमें भेज दें हम जाके बैटिंग कर लेंगे अगर हमने दुआओं से जीतना है। खैर हम बैटिंग कर लेंगे, फिर हमें क्या ज़रूरत है किंग बाबर की, क्या ज़रूरत है मोहम्मद आमिर की, अगर इतने अरसे बाद हमने आमिर को वापस बुलाया, इतनी स्ट्रगल के बाद मोहम्मद आमिर वापस आए तो क्या हमें फ़ायदा हुआ। अच्छा मुझे आप ये बताएगा, ये तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर हमने बात की, बात हो रही थी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, कल आपको लगता है कि कौन सा प्लेयर हो सकता है जो इंग्लैंड को टफ टाइम देगा? जी मुझे अगर बैटिंग साइड पे देखा जाए तो मुझे जो हो रहा है रोहित शर्मा, क्योंकि आप फॉर्म में आ गए और दूसरी बात बुमराह भी है माशाल्लाह, बॉलिंग साइड पर अगर देखा जाए तो मुझे तो ज्यादातर लग रहा है कि रोहित शर्मा टफ टाइम करेंगे। इंग्लैंड की तरफ, इंग्लैंड सोने आई है क्या वहाँ पर, इंग्लैंड की तरफ से कौन टफ टाइम देगा? जी इंग्लैंड की तरफ से देखा जाए तो उनके जो प्लेयर्स हैं उनके जो नाम है बहुत टफ है, मैं ज्यादा उनके नेम नहीं जानता। अच्छा। लेकिन इंग्लैंड की टीम भी काफी अच्छी है, काफी बेहतर है, लेकिन मुझे जितना लग रहा है कि 100% इंडिया अपना देगी और फाइनल में इंशाल्लाह। कितना स्कोर हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया को जो दिया था वो 205 का दिया था। जी देखिए अभी जो पिचेज आ रही हैं, जो विकेट्स आ रही हैं ना, उस पर ये 200-205 10 स्कोर कुछ भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से अगर इंडिया पहला बैटिंग करेगी तो कम से कम भी 200 प्लस ऊपर ही जाएगी, 230-240 तक जाएगी। तो अगर कल इंडिया ये वाला मैच जीत जाता है सेमीफाइनल है ना, तो उसके आगे आप फाइनल में इंडिया को किस टीम के अगेंस्ट खेलता हुआ देखना चाहते हो? जी मेरी जो मेरा मैं पहले से ही जब मैंने मैच देखे ना तो मैं सबसे ज़्यादा जब खुश हुआ कि यार जो अफगानिस्तान है माशाल्लाह सेमीफाइनल में पहुंच गई है, तो उसको ही मैं फाइनल में देखना चाहूँगा, क्योंकि उस टीम की इतनी स्ट्रगल, उनके प्लेयर्स हैं देखे ना वो कैसी टीम थी, वो टीम आज तक मैंने नहीं देखी जब से मैं बड़ा हूँ, मैंने सेमीफाइनल या फाइनल में नहीं देखी। वो अलहदा बात है कि गई हो लेकिन मैंने नहीं देखी, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि वो सेमीफाइनल में पहुंची, और मेरी बेस्ट विशेज है कि वो इंशाल्लाह फाइनल में भी जाएगी। अगर उनका फाइनल मैच होता है इंडिया के साथ फिर आप किसका साथ दोगे? फिर मैं अफगानिस्तान का दूंगा, अफगानिस्तान के साथ। पार्टी चेंज नहीं, क्योंकि अभी सेमीफाइनल की बात हो रही थी तो मेरी जो सेमीफाइनल की राय थी वो इंडिया के साथ ही, लेकिन अगर फाइनल की बात की जाए तो मैं अफगानिस्तान की स्पोर्ट में हूँ कि अफगानिस्तान भी जीते फाइनल, क्योंकि खुशी बहुत हुई है। ये गर्व की बात है कि पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी टीम को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि उनकी टीम देखें अफगानिस्तान की और फाइनल में है वो, और सेमीफाइनल में सॉरी। तो अब हमने क्या करना चाहिए, इतनी टफ टीम थी हमारी, बाबर आजम है, रिजवान है, अभी साहिम को खिलाया और वो मोटे उसको आजम खान को खिलाया, तो उनको हमने क्या करना है वाकई, उनको मैं तो कहूँगा उस्ताद चाहत अली फतेह जो है चाहत साहब, उनको कहें कि बदोबरी टू बनाएं और उनको पाकिस्तान में बाबर आजम, मोहम्मद आमिर और वो आजम मोटे को बदोबरी टू में ऐड करें। ये लोग वो बातें करते हैं जिनको अपना भी नहीं पता होता, दरअसल लोग वही बातें करते हैं जो जिनको घर खाने का दो टाइम की मिलती नहीं है, वो कहते हैं तोहमतें लगाते हैं ना, जैसे कहते हैं ना अब मैं यकीन करे टिकटॉक में अपनी खोल लूँ ना तो लोग ऐसे बैठे होते हैं ये कर दिया वो कर दिया, लोग वही तोहमत लगाते हैं जिनको खुद कोई पूछता नहीं है, और उनको कोई काम नहीं होता, बस एक ही काम होता है तोहमत लगा दो, किसी को बैठे बैठे बैड कमेंट कर दो, तो ये बिल्कुल गलत है। जो टीम देखो स्ट्रगल कर रही है, आप मेहनत को नहीं देख रहे, हम उसकी बस ये देख रहे हैं कि मैच फिक्स हो गया, ये हो गया वो हो गया, ये बहुत गलत बात है। ये लोग बैड जो कमेंट करते हैं, मेरी तो उनसे यही है कि यार बैड कमेंट ना किया करें, स्ट्रगल देखा करें, मेहनत देखा करें। थैंक यू सो मच। थैंक जीत का तो नहीं पता कौन जीतेगा, अपनी अपनी पसंद है, अपने अपने एनालिसिस हैं, अपनी अपनी राय है, मेरा ख्याल है कि इंडिया विन कर जाएगा। इंडिया विन कर जाएगा क्यों? असल में पता है क्या, उनका जो मेंटल लेवल है ना वो बड़ा हाई है, वो जो क्रिकेट खेलते हैं ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है ना, उनकी उनकी प्रैक्टिस बहुत बड़ी है, अच्छा उनकी फैसिलिटीज़ बड़ी अच्छी हैं, तो दूसरा कि उनका जो स्टैंडर्ड है क्रिकेट का वो बहुत आला है, तो इसलिए मैं इंडिया को फेवर दूंगा कि इंडिया विन कर जाएगी मैच। क्या स्टैंडर्ड है सर उनका? उनका देखिए ना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो नीचे से स्टार्ट हो जाए ना, तो ऊपर दिगर ए टीम दिगर, बी टीम दिगर, सी दिगर, डी दिगर, इनके उनके नीचे जो है ना जो लेवल वो चार तरह के हैं, तो वो जब प्लेयर उनका जब ऊपर आता है ना तो वो उस लेवल पे आ चुका होता है कि उसको उनका मेंटेलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है,
और एक और चीज़, मैं शेखर धवन की एक बात सुन रहा था एक इंटरव्यू में, उन्होंने बोला कि इंडिया की नंबर वन होने की जो बुनियादी वजह वो आप क्या देखते हैं। उसने एक बात बड़ी ज़बरदस्त की, उसने कहा जब मैं सिलेक्ट हुआ था ना तो मुझे मेरे सिलेक्टर ने बोला था कि आपने कम अज़ कम 4 सीरीज़ खेलनी है, उसमें आपने अपना परफॉर्म करना है कि आपकी स्किल्स क्या हैं, आपका आपका टैलेंट क्या है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, इसमें बैट्समैन को या बॉलर को या प्लेयर को ना एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है और जो उसकी स्किल्स होती हैं वो अच्छे तरीके से उसको शो करता है और वो बड़े उसमें बड़ा अच्छा यानी कि परफॉर्म करता है और वो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये उनकी बड़ी अच्छी चीज़ है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे हमारे मुल्क में नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ यारी दोस्तियाँ निभाई जाती हैं, परफॉर्मेंस को नहीं किया जाता, सिर्फ यारी दोस्ती हैं और जो यानी कि कह लेंगे पर्ची सिस्टम है आसान लफ्ज़ों में कहूँ वो चलता है। अच्छा सर, वैसे अभी तक टीम इंडिया एक भी मैच हारी नहीं है, अगर इंग्लैंड से भी मैच विन कर लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इंडियन टीम के लिए, क्या कहते हैं? हाँ बता के बात है, इंडियन टीम 50 ओवर में ये लास्ट ईयर गया है 50 ओवर का, ऑस्ट्रेलिया से हारी थी, ऑस्ट्रेलिया से, उसमें भी वो बिल्कुल यानी कि ना नॉन स्टॉप ही जीते रहे हैं, ठीक है, उसमें वो बीट नहीं हुए तो अनफॉर्चुनेटली फाइनल आके वो हार गए। ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती, आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलता है, जीत जो है ना आपको कॉन्फिडेंस देती है, कॉन्फिडेंस उनका ऑलरेडी बड़ा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि देखें ना आईपीएल वो खेल के गए हैं, आईपीएल दुनिया की एक बड़ी लीग है, ठीक है, उसमें वो खेल के गए हैं और उनकी वो सारी क्रीम है जो इस टाइम इनके खेल रही है। बल्कि आप ये कह सकते हैं अगर भी 3 प्लेयर अगर उनके बैठा दिए जाए ना जो उनके जो 3 प्लेयर रिप्लेस करेंगे ना वो उनसे अच्छे होंगे, उनका स्टैंडर्ड इतना इनके तगड़ा है। तो इसमें इंडिया को अगर आपने हराना है तो उसमें दूसरी टीम को एक बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और नो डाउट कि इंग्लैंड भी एक अच्छी टीम है, उनका भी बड़ा स्टैंडर्ड है और वो भी एक सेमीफाइनल खेल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है मैं अगर प्लस पॉइंट दूंगा तो वो इंडिया को दूंगा क्योंकि इंडिया बड़ी अच्छी टीम है। कौन सा कल प्लेयर सर नाम बना सकता है, हैवी हो सकता है इंग्लैंड पर? देखिए रोहित शर्मा तो है, रोहित शर्मा तो जो क्रिकेट खेलता फॉर्म में है, वो फॉर्म में है, वो हमेशा से फॉर्म में रहा है और वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलता है। सेकंड ये है जो उनका जो टेल अंडर है ना जो मिडल ऑर्डर है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, अगर उन्होंने परफॉर्म किया तो फिर तो वो वन साइडेड ही जीत जाएंगे। और जहाँ तक ख्याल है कि कोहली के साथ बेस्ट विशेज़ हैं, कोहली के लिए दुआएं कि कोहली आउट ऑफ फॉर्म हुआ है क्योंकि वो अच्छा प्लेयर और अच्छा इंसान है, जैसे मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ, जैसे मैं देखता हूँ, तो मैं उसका फ़ैन भी हूँ, बल्कि आपके चैनल के तवसत से मैं उनके उनको मैं कहना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छा इंसान है, अल्लाह उसको और अच्छा करे क्योंकि वो एक बड़ा पॉजिटिव और बड़ा बड़ा गुड मैन है कि उसकी तारीफें करने को दिल करता है। कल इंग्लैंड के धुएं निकलना पक्के हैं फिर? हाँ बिल्कुल, इंग्लैंड हार जाएगा इंडिया जीतेगा ये मैच, हार जाएगा इंडिया जीत जाएगा। कितना टारगेट जो है वो सेट हो सकता है? पता क्या बात है, यहाँ पे जो पिचेज हैं ना वो स्लो पिचेज हैं, यानी कि यहाँ पे स्पॉटिंग पिचेज हैं, जो अच्छी बॉलिंग करेगा वो अच्छा उसकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, जो अच्छा बैटिंग करेगा वो अच्छी बैटिंग करेगा। तो यहाँ पे एक कोई ऐसी प्रिडिक्ट नहीं आप कर सकते कि यहाँ पे 200 स्कोर बड़ा अच्छा है, यहाँ पे 150 स्कोर, यहाँ पे ये है कि आपको बैट्समैन के शोबे में, बॉलिंग के शोबे में, फील्डिंग के शोबे में, तीनों में आपको एक भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी और मेरा ख्याल है 160-170 स्कोर अच्छा होगा यहाँ पे पहले खेलने के। फिर क्रिकेट है, ऐसे सोचते ही नहीं, मैं तो ऐसे नहीं सोचता कि ये कोई फिक्सिंग है या जो वो होती हैं बीच में, कोई एक आधा प्लेयर ऐसा होता है वो एक्सपोज भी हो जाता है। इंडिया अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, वो तगड़े हैं, ठीक है, हमें उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी, हम उनकी तारीफ़ करेंगे तो ये एक अच्छा जसर जाएगा, ठीक है, हम क्यों उनके बारे में तंग, हाँ जहाँ पे वो बुरी क्रिकेट खेलते हैं वो करना चाहिए कि यार ये ऐसे फिर होता है, लेकिन आप अगर उनकी जीत को इस तरफ लेके जाएंगे भाई ये कोई फिक्सिंग करते हैं या ये, मेरे ख्याल में ये फजूल बात है। थैंक यू सर। किसी को भी नहीं, क्यों, किसी एक के तो करना पड़ेगा, मैंने छोड़ दिया है क्रिकेट देखना। लेकिन फिर भी कल मैच है, आपको क्या लगता है कौन विन कर जाएगा? इंग्लैंड। इंग्लैंड इंडियन टीम से क्या दुश्मनी है? है हमारी दुश्मनी, बस क्या करें। नहीं वो पॉलिटिक्स में होगी लेकिन ये तो क्रिकेट का मैदान है। हाँ तो हमारी बनती है उनसे, यू नो दी, यू नो आई डोंट नो, प्लीज टेल मी। आई मुझे नहीं पता इसका कुछ भी। इंडियन टीम के बारे में जानते हो आप कुछ? नहीं नहीं जानते। इंग्लैंड की टीम के बारे में? नहीं। लेकिन फिर भी इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ। क्यों? मैंने छोड़ दिया है क्रिकेट देखना, मुझे नहीं पता। मुझे पता है, ठीक है, मैंने सुन लिया। लेकिन आप कह रहे हो आपको नहीं पता ना इंग्लैंड की टीम के बारे में ना इंडियन टीम के बारे में, बट स्टिल यू आर सपोर्टिंग इंग्लैंड टीम, वाई? बिकॉज हमें सबको पता है कि पाकिस्तान वर्सेज इंडिया के अंदर हमारी क्या फीलिंग्स होती हैं, तो ऑफकोर्स जान पाकिस्तान वर्सेज इंडिया है ना, ये पाकिस्तान वर्सेज इंडिया नहीं है। हम नहीं हरा पाते इंडिया को, तो अब उनके थ्रू ही हराएंगे। अच्छा, हम
नहीं हरा पाते तो कोई तो हरा दे, ये हिसाब है आई गेस। और अगर वो कल जीत गए, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई भी मैच हारा नहीं है इंडिया ने। नाइस, मुझे नहीं पता था, मैं नहीं देख रही ना। अच्छा, अगर कल वो, क्योंकि सेमीफाइनल्स चल रहे हैं, अगर वो कल जीत जाते हैं तो वो डायरेक्ट फाइनल्स में पहुंच जाएंगे, तो उससे आपको खुशी होगी, गमी होगी या न्यूट्रल? न्यूट्रल। न्यूट्रल, दिल पत्थर का हो गया। दिल पत्थर का हो गया। चलो, थैंक यू सो मच।